अस्सलाम वालेकुम शहनाज की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गवार की सब्ज़ी। उसमें लेकिन गवार की सब्ज़ी ऐसे ही नहीं बनाऊँगी, उसमें मैं डालूँगी ये झींगा। तो ये जो झींगा है देखिए, ये आपको पीला पीला इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने झींगे को पहले साफ़ करके इसमें ज़रा सी हल्दी डाल के इसको मैंने उबाल ली। इसको उबालना ज़रूरी है क्योंकि हम इसको कांदे के साथ में डायरेक्ट डालेंगे तो इसमें से पानी बहुत छूटता है और वो पानी जल्दी सोखने को बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने इसमें इसको पहले थोड़ा सा हल्दी, इसमें नमक नहीं डाली, नमक नहीं डालना, सिर्फ हल्दी डाल के इसको इसका पानी सोख लो। तो ये है झींगा 250 ग्राम और ये है गवार 300 ग्राम, इतनी गवार है। और इसमें क्या लगेगा ये देखिए, ये दो प्याज है, ये एक बड़ा सा टमाटर है, ये 2 चम्मच हरी मिर्च है, ये 1 चम्मच छोटा अदरक लहसुन है और ये हल्दी है और थोड़ा नमक। और अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं तो अब मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और इसमें मैं गवार डाल लूँगी। तो ये गवार मैंने इसलिए डाली हूँ कि इसको मैं पहले भून लूँगी क्योंकि इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। इसको भूनेंगे तभी इसमें वो जो कसालापन है वो ख़त्म होता है। बहुत से लोग बिना भुने बिना उबाले इसे डाल देते क्योंकि गवार की जो सब्ज़ी टेस्टी है लेकिन इसमें वाद भी है, तो इस वजह से इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अभी मैं इसको भून रही हूँ अच्छे तरीके से, इसको थोड़ा कच्चा पक्का भून लूँगी ये देखिए। और अब मैं दूसरे टोप में तेल डालूँगी, तेल थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, 3 से 4 चम्मच डालूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है तो अच्छा लगता है, खाने में स्वाद आता है। तो देखिए 4 चम्मच मैंने तेल डाली हूँ। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। सबसे पहले तेल मेरा गरम हो गया है, ये देखिए प्याज डाल दी हूँ मैंने। अब मैं प्याज लाल कर लूँगी, प्याज को मुझे ज़्यादा लाल नहीं करना है, कच्चा पक्का ही लाल करना है। ये देखिए मेरे प्याज कच्चे पक्के लाल हो गए हैं। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। ये नमक मैं भूल गई थी बताना, नमक और हरा धनिया। तो देखिए अब ये टमाटर, ये सब मैं डाल दूँगी, टमाटर है, हरा धनिया, नमक वगैरह, हल्दी, सारे मसाले डाल दूँगी और इसको मैं भून लूँगी। ये देखिए पूरा मिक्स कर दूंगी मैं, अच्छे से मिला लीजिए। और टमाटर पहले गलने दीजिए, उसके बाद में गवार छोड़ना। अब इसको मैं थोड़ा ढक कर के 5 मिनट पकने दूंगी और जब तक का मैं देखती हूँ गवार मेरी क्या भून गई कि नहीं। अभी भी गवार मेरी थोड़ी कच्ची है, मैं इसे और भूनूंगी। जब तक का मसाला भून रहा है तब तक का मैं गवार भी और भूनूंगी। अब मेरा मसाला भून चुका है, ये देखिए टमाटर गल गए हैं क्योंकि कच्चे टमाटर रख कर के नहीं भाजी डालना है। टमाटर पूरे गल जाए तो मसाला भी गल जाता है। और देखिए ये गवार भी मेरी भून चुकी है, ये देखिए इस तरीके से गवार भूननी चाहिए कच्ची पक्की, ये भून करके ही बनाना चाहिए तभी स्वाद बनता है भाजी और बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से बनाने में, डायरेक्टली कभी भी नहीं बनाना। देखिए अभी ये गवार मैं उसमें डाल दूँगी। अब मैं गवार उसमें डालने के बाद में उसमें मिला लूँगी और ये जो झींगे हैं ये भी मैं उसमें डाल दूँगी। अब झींगे डाल करके इसको पूरा मिक्स कर दूँगी, अच्छे तरीके से पूरा मिला लीजिए। ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बहुत से लोग इसमें सूखा वाला झींगा डालते हैं लेकिन सूखा झींगे की भी बहुत अच्छी बनती है लेकिन गीला झींगे से उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो देखिए अभी ये इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि थोड़ी गवार गल जाए, नहीं तो गवार पूरी कड़क हो जाएगी अगर इसमें पानी नहीं डालेंगे तो। ये थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसको पूरा मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा देर के लिए ढक के रख दूँगी इसको मैं। अब ये देखिए मेरी गवार बनके तैयार हो गई है, एकदम अच्छी हो गई है गवार। वो गवार भी गल गई है, झींगे तो पहले ही गल चुके थे मेरे, मसाला वसाला भून चुका था, खाली गवार मुझे गलाना था। तो देखिए गवार गल, तो देखिए मेरे ये झींगे की ये गवार की सब्ज़ी तैयार हो गई है, झींगा डाल के बनाई हूँ मैंने, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से बनाइए झींगे की, झींगा और गवार, और खाइए रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, खिचड़ी के साथ खाइए, जिस तरीके से खाना खा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आप अपना सब ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और आप सबको रमज़ान मुबारक हो, इंशाल्लाह सबके रोज़े पूरे हो रहे होंगे। चलिए अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।